माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, काफ़ी क्लोज व्यू लेकर आया हूँ आज मैं आप लोगों के लिए। मस्जिद अल हरम को पूरा लाइव ज़ियारत है आज, ये महीने की आखिरी तारीख का 21 अगस्त का ये लाइव ज़ियारत है। तो आप लोग यहाँ का देख सकते हैं सनीचर का दिन है, माशाल्लाह से काफ़ी क्राउड है दोस्तों। तो मैं एक एक लाइव आप लोगों को दिखाऊँगा आगे जाके, और एक एक नया व्यू दिखाऊँगा आप लोगों को। जितना भी मुझे डेली कुछ अलग मिलता है, मैं ज़रूर ज़रूर काफ़ी अच्छी क्लियरिटी के साथ और पूरा ऑडियो के साथ लाया हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। तो जो लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर जरूर करें। कम से कम 6 मिनट तक वीडियो को वॉच करना, आज का वीडियो 14 मिनट का रहेगा दोस्तों, तो प्लीज़ 6 मिनट तक जरूर से जरूर वॉच करें और अपना कमेंट में नाम सुनकर जाएं इस वीडियो में दोस्तों। तो आज का देखेंगे माशाल्लाह से लोगों ने क्या क्या कमेंट किया था कल। तो जुमा का दिन था तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी मैंने शूट किया था दोस्तों, तो उसके हिसाब से देखेंगे माशाल्लाह से क्या क्या कमेंट आया है। और ये महीने की आखिरी तारीख है 31 अगस्त, कल से जो वीडियो आएगी थोड़ा लॉन्ग में आएगी और क्लियरिटी के साथ आएगी दोस्तों। आज मैंने जो हदीस रिकॉर्ड किया है काफ़ी अच्छे आवाज़ में और काफ़ी वॉइस में, तो आप लोग सुने अमल करें, अल्लाह पाक सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह से अभी देखिए हरम शरीफ में सफाई जो हो रही है, वर्कर जितने भी हैं टोटल अलर्ट रहते हैं यहाँ पे, जितना जिनका ड्यूटी टाइम होता है वो आते हैं माशाल्लाह से। आप लोगों को मैं एक एक दिखाऊंगा आज का लाइव। तो कल जो आया है फर्स्ट कमेंट, उनका नाम लेते हैं माशाल्लाह से। तो आमीन लिखना ना बोले दोस्तों, काफी लोग आमीन अभी लिख नहीं रहे, तो जरूर जरूर आमीन लिखें माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सभी को इस घर की ज़ियारत नसीब हो, जितने लोग भी यहाँ आने की अल्लाह पाक कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक सभी को इस घर की ज़ियारत नसीब हो। इस घर में आज रसवत को चूमना और मुल्तजम में अल्लाह पाक अपनी दुआएं मांगना, अल्लाह पाक सभी को इस घर के चारों तरफ का ज़ियारत कराना, अल्लाह पाक सभी को नसीब अता फरमा। जो लोग आ चुके हैं और जो लोग डेली कमेंट करते हैं, हम आ चुके हैं, हमको दोबारा बुलाए अल्लाह पाक। उन सभी जितने भी जो कमेंट करते हैं, अल्लाह पाक सभी को इस घर में दोबारा तिबारा आने के नसीब अता फरमाया। आमीन आमीन। रियाना बेगम ने फर्स्ट कमेंट किया है, उन्होंने लिखा रियाना बेगम उमरा के लिए दुआ करना इंशाल्लाह, यूज़र करके कहे आमीन सुम्मा आमीन। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और मैं आप सबको डेली मस्जिद अल हरम का पूरा फुल लाइव ज़ियारत कराता हूँ, पूरा 24 मिनट का कभी लाता हूँ कभी 14 मिनट का, जिस तरह से मुझे वक्त मिलता है उस तरह से मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। कभी वक्त ज़्यादा रहा कभी कम रहा, तो उस हिसाब से वीडियो अपलोड होता है दोस्तों। और डेली मैं आप लोगों को माशाल्लाह से थोड़ा स्लो मोशन में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग देखें सामने की तरफ और अच्छे से पूरा एक वीडियो देखें, अपने लिए दुआ करें। जितने भी तमाम मुसलमान हैं हर जगह, हर किसी कोई अलग अलग कंट्री में जहाँ कहीं पे भी हो, सभी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सभी की हिफाजत फरमाए आमीन। उन सभी को इस घर की ज़ियारत नसीब हो आमीन। जितने लोग भी यहाँ पे उमरा करने आए हुए हैं, जितने लोग उन सबका उमरा कबूल अता फरमाए आमीन माशाल्लाह आमीन। तो दोस्तों आगे अभी हदीस चलेगी, तो आप लोग हदीस भी सुने और अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सुने और अमल करें, और सभी को अल्लाह पाक जो दूसरे लोग यू भी सुने माशाल्लाह से। और मैं सभी का दोस्तों कमेंट डेली रीड करता हूँ, डेली आप लोगों ने क्या कमेंट किया है क्या नहीं किया है वो सब मैं डेली चेक करता हूँ दोस्तों। और वीडियो क्लोज होने के लिए इंशाल्लाह मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह आप लोग कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को दोस्तों आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं हर वीडियो में, क्योंकि वीडियो जब तक आप लोग 14-15 मिनट की वीडियो के अंदर आप लोग 4-5 मिनट वॉच नहीं करेंगे तो वीडियो का कोई मकसद नहीं होता वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो में मेहनत लगती है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करके आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना, फिर नेटवर्क को भी देखना पड़ता है चारों तरफ का, तो ये सब करके दोस्तों आप तक ही पूरी मस्जिद अल हरम की हर दुनिया के कोने तक वीडियो जाती है, वहाँ से लोगों तक कमेंट आते हैं। कोई UK से देख रहा है, कोई इंडिया से देख रहा है, कोई पाकिस्तान से देख रहा है, कोई बांग्लादेश से देख रहा है दोस्तों, तो काफ़ी लोगों का कमेंट आता है, अच्छा लगता है सुनकर, इतने दूर दूर लोगों से काफ़ी लोग देखते हैं। अभी आगे की तरफ आए माशाल्लाह से देखेंगे और माशाल्लाह से चारों तरफ का एक एक वीडियो शूट करेंगे। अभी चलते हैं, थोड़ा देख सकते हैं आप लोग यहाँ का दोस्तों क्राउड का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मकाम इब्राहिम से लेके अलग का पूरा एक एक व्यू माशाल्लाह से। आज के पूरा वीडियो कंप्लीट होगा डे एंड नाइट से लेके, तो आप लोग वीडियो मिस ना करना। काफ़ी छोटा वीडियो आज बना पाया हूँ दोस्तों, इसी में आज काफ़ी लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा दोस्तों कमेंट का, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें सभी का मैं कमेंट का नाम ले पाऊँ। और आज कुछ हदीस वगैरह भी चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर काफ़ी लोगों का
राय रहती कि आप हदीस बीच में ऐड कर दिया करें और वीडियो चलती रहे तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और सुनने में। तो माशाल्लाह से आप लोग सुने और अमल करें, अल्लाह पाक सभी को अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। तो ज़रूर देखें और लाइक, अभी तक जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर ज़रूर कर दे दोस्तों। तो सुने كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے پر امن مقام پر مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور نہروں میں وہ لوگ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ سب باتیں اسی طرح ہوگی اور ہم ان کا نگاہ گوری اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوا رہے ہوں گے، وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل سے ملا، بڑی کامیابی یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے، چنانچہ نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں۔ عزیز بھائی دو لوگ چلے رہے ہیں، وقال تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس برائی کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنے اعمال درست کر لے تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس برائی کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنے اعمال درست کر لے تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب
जब तक कि अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता हो। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता हो। हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर एक दूसरे के सामने आए और इनमें से एक दूसरे को कत्ल कर दे तो कातिल और मक्तूल दोनों दोजख की आग में होंगे। हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने या किसी और ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कातिल का दोजख में जाना तो जाहिर है लेकिन मक्तूल दोजख में क्यों जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि उसने भी तो अपने साथी को कत्ल करने का इरादा किया था। अल्लाहु तआला हदीस है। हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको रोजा, नमाज और सदका खैरात से अफजल दर्जा वाली चीज न बताऊं? सहाबा ने अर्ज किया, जरूर इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाइमी इत्तिफाक सबसे अफजल है क्योंकि आपस की ना इत्तिफाकी दीन को मोड़ने वाली है, यानी जैसे उस तरह से सर के बाल एकदम साफ हो जाते हैं ऐसे ही आपस की लड़ाई से दीन खत्म हो जाता है। हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा के आखिर में इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह ताला के अहकाम नहीं पहुंचा दिए? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमने अर्ज किया, जी हाँ आपने पहुंचा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह आप उन लोगों के इकरार पर गवाह हो जाइए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग यहाँ मौजूद है वो उन लोगों तक पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए कि बसा औकात दीन की बातें जिसको पहुँचाई जाए वो पहुँचाने वाले से ज्यादा याद रखने वाला होता है। फ़ाइदा, इस हदीस शरीफ में इस बात की ताकीद फरमाई गई है कि अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात सुनी जाए उसे सुनने वाला अपनी जात तक महदूद न रखे बल्कि उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाए, मुमकिन है वो लोग उसे ज्यादा याद रखने वाले हों। अल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बयान था दोस्तों। तो इसी तरह पूरा अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूँगा, कल का काफ़ी लॉन्ग वीडियो रहेगा तो आप लोग मिस मत करना। अभी तक जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करते हैं, पूरा डे से एंड नाइट तक का पूरा लाइव ज़्यारत था दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लगा सुनकर और काफ़ी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बयान होता है और हदीस भी होती है तो मैं हदीस रिकॉर्ड किया था तो काफ़ी वॉइस अच्छी होगी, तो इसका आप लोग राय बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और वॉइस कैसी थी, तो आप लोग एक एक राय दें माशाल्लाह से राय देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आगे बैठा था तो वॉइस थोड़ा क्लियरिटी आई माशाल्लाह से और काफ़ी अच्छा आज का वीडियो बना, भले ही शॉर्ट बना लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी चारों तरफ तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दिया हूँ आज का। तो ये आज का इतना ही अपडेट है, इंशाल्लाह कल।